स्क्रीन पर नजर आने वाला ये मंजर खासा गैर मामूली है, क्योंकि आपने बहुत सी मोटरसाइकिलें इकट्ठा देखी तो होंगी, मगर यहाँ इन मोटरसाइकिलों के राइडर्स हैं बहुत खास। दरअसल यहाँ किया गया है वुमेन पावर शो का इनेकाद। मोटरसाइकिल रैली की तमाम राइडर्स हैं खवातीन। इस बाइक रैली में खवातीन राइडर्स ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करके दुनिया को ये बता दिया कि वो दुनिया में किसी से कम नहीं। इस मोटरसाइकिल रैली में 150 से ज़ायद खवातीन राइडर्स ने शिरकत की। ये रैली खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा सकता है। आपको लेकर चलते हैं रैली के दरमियान, जहां हमारे मेजबान असदुल्ला सिद्दीकी आपको दिखाएंगे इस रैली के मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला सिद्दीकी और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद, जहां पे वुमेन पावर्स बाइक रैली का इनेकाद किया गया। एक शानदार इनेकाद किया गया जिसमें खवातीन और यंगस्टर लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद है अपनी बाइक के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक्स में खवातीन मौजूद हैं और प्रॉपर SOPs के ख्याल रखते हुए हेलमेट्स यूज़ करते हुए और प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह बहुत ही अमन और पुनर्जम किस्म की रैली का इनका किया गया और अपनी इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में कुछ ही देर में ये स्टार्ट होने जा रही है। But we would expect our own ladies to bring out a local flavored perspective on how to improve the lot of the ladies in Pakistan. यहाँ पे बहुत सारा काम बहुत सारे फील्ड में होने वाला है। हमारी खवातीन बहुत मेहनत करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रॉडरी राइडर्स की चेयरमैन मरीना, तो हम उनसे पूछते हैं कि आज की रैली के हवाले से उनके व्यूज़ कैसे हैं और कैसा रहा। जी मरीना जी, आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त है। पूरे बाइकर्स जो राउडी राइडर्स हैं, हमने सोचा था कि इस बार वर्ल्ड वुमेन्स डे हम लोग पूरे पाकिस्तान और उनके से बाहर भी देखा कि हमारा पाकिस्तान बहुत पुरसकून है और लड़कियां यहाँ पर आराम से अपने खुद कन्वेंस के लिए बाहर निकल सकती है और एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया को बता सकती है कि बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। और हाँ, एक और चीज़, एम्पावर वुमेन, एम्पावर योर नेशन, ये वर्ड ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इस तकरीब में DG रेंजर्स और उनकी अहलिया और CEO डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी और उनकी अहलिया ने भी भरपूर शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम समिया, तो हमसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं आज की रैली के हवाले से। जी मैम समिया, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ समिया जमील और आई एम अ मीडिया पर्सनालिटी और इस वक्त मैं अपने ग्रुप CIBO को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि 30,000 वुमेन एम्पावरमेंट के पर बना है और उसके अंदर सिर्फ कुकिंग, बेकिंग और इवेंट प्लानिंग, क्राफ्टिंग नहीं है, उसमें हर शोबे से हर खवातीन काम करती हैं। बेसिकली आज के दिन यहाँ आना और हर खवातीन को सपोर्ट करना, चाहे वो बाइक चलाती हूँ, चाहे वो अपने घर से छोटा सा काम करती हूँ, तो हमें चाहिए कि हम उनकी आवाज़ बने, उनकी हिम्मत बने और आगे बढ़े। और इस किस्म की जो गेट टुगेदर्स होती हैं, ये हमारे अंदर एक हिम्मत, हौसला और इज्जत पैदा करती हैं कि हमारा माशरे में एक मुकाम है और इज्जत है हमारी। तो मैं यही कहूँगी कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर और हम इन सबको सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है फातिमा नाजिश, तो हम उनसे पूछते हैं कि आज की रैली के हवाले से वो कैसा रहा, उनके अपने व्यूज़ कैसे हैं। आज की रैली बहुत अच्छी रही और ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए ताकि हमारी जो खवातीन है वो मोटिवेट होती रहे और खवातीन को भी चाहिए हमारी बाइक जिनको नहीं आती वो सीखें, इंडिपेंडेंट रहें, किसी पर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं।
थैंक यू सो मच। एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमारी खवातीन हर काम कर सकती है और हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम बुशरा आलम है, मैं राउडी राइडर्स की मेंबर हूँ। आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है रैली निकाली गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बेसिकली ऐसी रैलीज होनी चाहिए ताकि वुमेन जो है और एम्पावर हो, उनके अंदर जो है और जज्बा पैदा हो, वो निकले अपने घरों से और जो वो करना चाहती है वो करें, स्टेप फॉरवर्ड करें और जो है आगे बढ़ें ताकि इस दुनिया में जो है वो एक पॉइंट जो है रह गया है वुमेन के, कुछ कर नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, वो जो है सब खत्म हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छी थी, बहुत इंजॉय किया और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हर लड़की को सीखनी चाहिए, मतलब कि अच्छा है सीखना क्योंकि अपने काम आप खुद कर सकते हो। और ये जो बसों में मतलब लड़कियां जो जॉब करती हैं उनको तो ख़ास तौर पे सीखना चाहिए ताकि उनको मतलब जाने में आसानी हो। थैंक यू। पिछले 2 साल से बाइक राइड कर रही हूँ लेकिन फैमिली के फैमिली को ये चीज़ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली का कोई खास सपोर्ट नहीं है मुझे। लेकिन मैं दूसरी लड़कियों से ये कहूँगी जो हमारी इंटीरियर से या दूसरे जो इलाके से हैं अर्बन रूरल एरिया से, उनसे मेरी ये मैसेज है मेरा कि काइंडली बाहर निकलें। कब तक बसों के रक्षों के धक्के खाएंगी? बसों में इधर से टच करना उधर से टच करना हमारे मर्दों की फितरत है, तो काइंडली अपने आप को बचाएं, बाइक चलाएं, बाइक पे आएं। अपने आपको हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, फोर व्हील कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बाइक चलाना शुरू करें, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें जो कि आपको समझते कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन औरतें सब कुछ कर सकती हैं, जब एक औलाद जन्म सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। बाइक चलाना तो बहुत आसान बात है, बाइक चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक दफ़ा आएँ और इंशाल्लाह देखिएगा, हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत जल्द आपको हम ट्रेन कर देंगे। लड़कियों को हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तानी आवाम है, देखेगी तो सही, जाहिर सी बात है उनको हिम्मत करनी पड़ेगी। लोग देखते हैं, बोलते हैं मगर अप्रिशिएट भी करते हैं। माशाल्लाह से आज आप देख सकते हैं डीजी रेंजर्स और सब ने हमें कितना सपोर्ट किया है, बहुत सारे मीडिया की भी कवरेज हमें बहुत अच्छी मिली है। तो यही बोलना चाहूँगी कि आगे से आगे हिम्मत करें और आगे बढ़ें। हमारे साथ मौजूद हैं इमराना एच, आज की बाइक रैली के हवाले से इनके व्यूज़ लेंगे। और सबसे अच्छी बात कि भाई इन्होंने बाकायदा बाइक का लाइसेंस भी हासिल किया हुआ है। तो मिलते हैं इमराना एच एम से। अस्सलाम वालेकुम। तो इमराना, आप आज के हवाले रैली के हवाले से आप कैसा अपना व्यूज़ रखती हैं, कैसा लगा आपको इसमें आके? मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और उन लेडीज़ को भी कहना चाहूँगी कि एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए आगे आए। बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करके जा रहे हैं, छोटी छोटी शॉपिंग सेंटर्स में होके अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात और बहुत सारे काम हमारे निकल आते हैं। अब ज़रूरत बन गई है, अब हमारी ख्वाहिश या ये नहीं है कि फैशन है या शौक है, नो। और इसके अलावा जो बेसिकली जो मकसद है इस रैली का, प्रमोट करना, लेडीज़ को हौसला देना कि वो आए आगे बढ़े और वो भी मतलब ना शर्माए ना घबराए, बल्कि हमें लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मतलब कि आई मीन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हमें देख के। हमारे साथ मौजूद है सोबिया जो कि अजीम शान रैली के हवाले से हमें बताना चाहेंगी। तो सोबिया, कैसी रही रैली और कैसा आपके व्यूज़ हैं इस हवाले से? बहुत अच्छी रही, लड़कियों को बहुत आगे बढ़ना चाहिए। हम पर्दा करते हैं लेकिन फिर भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें बहुत सपोर्ट किया गया रेंजर्स वालों ने और ईसर डॉक्टर ईसर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए लड़कियों को। और आज की रैली बहुत अच्छी रही, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ
साथ मौजूद हैं तनवीर खानम जो कि हैवी बाइक राइडर हैं और इस रैली में सबसे आगे आगे देखा गया है और बड़ी ज़बरदस्त शानदार तरीके से उन्होंने बाइक अपनी राइड की है। तो इनसे मिलते हैं, इनके व्यूज़ जानते हैं कैसी रही आज की रैली। मुझे एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि रैली वुमेंस वो भी इतनी ज़्यादा मैंने देखी और मैं बहुत खुश हुई कि इतनी ज़्यादा वुमेंस हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो खुद बाइक चला रही हैं। इवन स्कूटी भी थी और वहाँ पर 150 भी मैंने देखी, 125 भी देखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा लेडीज़ के साथ फर्स्ट टाइम रैली करके। तो आज की रैली के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और ख़वातीन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको निकलना चाहिए और इस तरह एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर निकलना कि कोई आए तो लेकर आ जाए, उनका कोई सामान हो, तो वो बाइक एक ऐसी चीज़ है कि आप बैठे, आपने चाबी लगाई और आप खुद भी लेकर आराम से आ सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगी, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी लेडीज़ देखी कि दे आर नॉट वेयरिंग हेलमेट एंड ग्लव्स। अगर आप ग्लव्स भी नहीं पहन रही है क्या, लेकिन आप सेफ्टी ज़रूर फर्स्ट आप उसको देखें, उसके बाद आप राइड करें। और आपको अच्छा भी अगर आप खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, आप गिर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, वो आपको सेफ रखेगा। थैंक यू सो मच। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज रैली निकाल के, वो जे पर पूरी हमने सेलिब्रेट किया आज वुमेंस डे, और जो है हमने पूरी रैली निकाली, हम आर्मी वालों के साथ हमें सपोर्ट किया, उनके लिए भी बहुत थैंक्स किया, हमें सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लगा। लड़कियों की तरीके से एम्पावरमेंट चाहिए कि बाइक चलाएं और रोड पे आएं, आप खुद मुख्तार बनें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वुमेन कभी किसी से कम ना हो, वुमेन हमेशा मैन के शाना बशाना खड़ी हो। वुमेन डे के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी वुमेन को कि वो कोने में बैठ के कहीं रोना धोना ना करे, वो मर्द की तरह निकले, हिम्मत से काम ले और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।